गंगा दशमी के अवसर पर नवागढ़ खेड़ी नर्मदा तट पर श्रद्धालुओं ने नर्मदा स्नान कर दर्शन किए। आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ घाट पर जुटने लगी थी। इस दौरान भक्तजनों ने नर्मदा में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। विशेषकर महिलाओं ने नर्मदा का विशेष पूजन अर्चन किया। पंडित मनोज खेड़े ने बताया कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर नर्मदा स्नान से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही वो पुण्य का भागी बनता है। इसकी खराब दशा समाप्त हो जाती है और अच्छी दशा शुरू हो जाती है। इस दौरान स्नान एवं दान करने का भी विशेष महत्व होता है। कई श्रद्धालुओं ने घाट पर बैठे परिक्रमावासियों एवं गरीबों को धान धन्य भी दान स्वरूप दिए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जैसा कि विदित है, माँ गंगा जी का आज मिलन नर्मदा जी से होता है। ऐसी विनती है कि नर्मदा मैया आज से गंगा मैया मिलने आती है और गंगा दशमी का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि पुराणों में उल्लेख है कि माँ गंगा आज नर्मदा जी से मिलने आती है। आज ज्येष्ठ कृष्ण नवमी को प्रतिवर्ष गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। हजारों लोगों की भीड़ नर्मदा जी के तट पर आज यहाँ पर स्नान दान करने के लिए आ रही है। बहुत ही महत्व है आज का, और विशेष रूप से अब हमारे पर्व यहाँ से चालू हो रहे हैं। आगे के पर्वों की यहाँ से आगे परंपरा चालू होती है। विशेष महत्व आज के दिन का इसीलिए भी है कि गंगा जी की संख्या में नर्मदा जी के तट पर आज यहाँ पर लोग स्नान करने आ रहे हैं, पुण्य यहाँ पर कमाने आए हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, कई लोगों की भीड़ हुजूम यहाँ पर उमड़ रहा है नर्मदा जी के तट पर। माँ नर्मदा जी का यहाँ पर लोग स्नान ध्यान करके यहाँ पर पुण्य लाभ ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? पंडित मनोज। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।